अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय सिंपल कुकिंग किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते। कीमे की जो फॉर्म है उसमें आप कबाब बना लें, सीख कबाब बना लें, चपली कबाब, कोफ्ते या फिर नरगिसी कोफ्ते। इन डिशेस का जब आप नाम लेते हैं तो एक रॉयल किस्म की डिनर का आपके जहन में इमेज आता है। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा आधा किलो, बीफ हो, मटन हो, कुछ भी हो जाए। बॉइल्ड एग चाहिए, मैंने 5 अदद लिए हैं, आप 4 अदद ले लें, 6 अदद ले लें, डिपेंड ऑन यू। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून है। ये इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि इसको हमने कीमे में हाफ को यूज़ करना है और हाफ हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। अदरक भी इसी तरह 2 टीस्पून है। दही 1 कप है। टमाटर 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए हैं। 1 बड़ा प्याज है बारीक कटा हुआ जो मैंने ग्रेवी के लिए यूज़ करना है। ये 1 प्याज है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है और 4 से 5 अदद हरी मिर्ची हैं जो इसके साथ चॉप की हुई हैं। और साथ में हमने डालना है इसमें ज़ीरा 2 टीस्पून है, 1 टीस्पून कीमे में और 1 टीस्पून ग्रेवी में। नमक 1.5 टीस्पून है, आप पे टेस्ट पे डिपेंड करता है। रेड चिली है, गरम मसाला है 2 टीस्पून है। उसी तरह हमने इसको डिवाइड करना है ग्रेवी और कीमे के लिए। रेड चिली फ्लेक्स है, ये 1 टीस्पून है, ये कीमे में ऐड करना है। हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद जो कि हमने ग्रेवी में यूज़ करनी है। लौंग है 4 से 5 अदद। दालचीनी है 2 से 3 अदद बारीक से। कीमे में आपने सबसे पहले ऐड करना है अदरक 2 टेबलस्पून है, लहसुन 1.5 टेबलस्पून है, प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी इसको आपने ऐड करना है। नमक है आपने 1 टीस्पून डालना है या फिर आपके टेस्ट के मुताबिक है। सूखा धनिया पाउडर है ये आपने कीमे में ऐड कर देना है, ये 1 टीस्पून है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा। इसी तरह ज़ीरा है 1 टीस्पून कीमे के लिए। चिली फ्लेक्स है कीमे में डालना है। गरम मसाला 1 टीस्पून कीमे के लिए है। रेड चिली ये 1/2 टीस्पून है जो हमने कीमे में डाल दी है। अब इसके अलावा हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें, आप चाहें तो इनको हल्का सा चॉप कर लीजिए। कीमे में सारे मसाले मिक्स हो चुके हुए हैं। आपने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन डालना है ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से जुड़ जाए। कि बेसन बताना मैं शुरू से भूल गई थी, अब इसलिए दोबारा ऐड कर रही हूँ। कीमे का आपने एक मुनासिब सा हिस्सा लेना है, उसको हाथ पे अच्छी तरह से फैला लीजिएगा। इस तरह पहले आप कीमे को दबा लें ताकि ये सेटल हो जाए आपस में सारे मसाले, लहसुन प्याज वगैरह। उसके बाद आपने इतनी मुनासिब क्वांटिटी लेनी है और इसके अंडे को आपने इसके अंदर ऐसे फिक्स करना है। अंडा चारों तरफ से कवर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं से आपका कीमा कवर ना हो और वहाँ से कीमा खुलना शुरू हो जाए। अपने बड़े आराम और तसल्ली से अंडे को इसके कीमे के कवर के अंदर पैक करना है। इस तरह आप पैक करेंगे, देखें हर तरफ से हो गया हुआ है। इसी तरह मैं सारे अंडों को अब बनाती हूँ। अंडों के ऊपर मैंने कीमे की कोटिंग कर दी हुई है। मेरा चैनल सिंपल कुकिंग किचन है और मैं हूँ बुशका मुदस्सिर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोफ्तों को 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि कीमा जो है वो अंडों के ऊपर ठहर जाए। इसके बाद मैं अब इनको हल्का सा फ्राई करके ग्रेवी में डालूँगी। ऑयल के अंदर आपने कोफ्ते बड़े आराम से रखने हैं। आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है इसको हिलाने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी हल्की साइज पलटते जाइएगा। कोफ्तों को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, अब मैं इसकी ग्रेवी की मेकिंग करती हूँ। प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसको गोल्डन एंड लाइट ब्राउन करना है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन,
और अदरक को आप अच्छी तरह हिला दीजिए। इसके साथ आपने ऐड करना है इसमें नमक, लाल मिर्च, लौंग और दालचीनी, हरी मिर्च और जीरा। गरम मसाला जो होता है वो हमेशा खाने की आप एंडिंग में इसको डालते हैं, बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इनको एक दो दफ़ा अच्छी तरह से हिला दीजिए ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने डालना है इसमें टमाटर जो बारीक कटा हुआ था, और दही एक कप जो हमने दही रखा हुआ था। अब 10 से 15 मिनट के लिए हमने इस ग्रेवी को दम पे रखना है ताकि ये चीज़ें जो हैं ऐड की हुई सारी फ्लैट हो जाए। ग्रेवी तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम और लेगी। आप भूनते हुए जब मसाला हल्का सा पानी डाल सकते हैं ताकि ये जो है ना ग्रेवी की शक्ल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें अब जो हमारे कोफ्ते हैं उनको ऐड करेंगे। ये पहले से हल्के से फ्राई किए हुए, अब ये जो है मसाले में इनको हल्का सा भून के तो मैं दम पे रख दूँगी। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं चलाना है, चम्मच चलाने से ये टूट सकते हैं। कोफ्तों की साइड मैंने एक दफ़ा चेंज कर दी हुई। अब आप इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी ऐड कीजिए और अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम लेगा खाना तैयार होने में। लास्ट में हमने इसके ऊपर गरम मसाला डाला है। अब ये खाना हमारा तैयार हो चुका है, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।